शलोम अल मसी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ हमारी वीडियोस देख के मज़े के साथ साथ आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो इससे पहले कि हम आज की वीडियो शुरू करें, मैं आप लोग को देना चाहता हूँ रिमाइंडर। यदि आप लोग चाहते हैं कि हम लोग भी किया करें लाइव डिबेट, तो इस काम के लिए चाहिए हमें आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट। नीचे दिए गए थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप हमें फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं और हमारी सेवकाई का एक हिस्सा बन सकते हैं। दूसरा, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी रेफरेंसेज हम अपनी वीडियोस में यूज करते हैं उसको हम अपने सोल्जर ऑफ गॉड अपोलोजेटिक टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड करते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वहां से रेफरेंसेज उठाइए और टुनियों की बैंड बजाइए। दोस्तों, आपने अक्सर ये सुना होगा कि अगर शेर बीमार पड़ जाता है और कुछ दिन वो शिकार करना बंद कर देता है तो चूहा भी उसकी मूंछों से खेलकर बहादुर बन लेता है। ही कुछ हल हमारे प्यारे प्यारे टुनियों का भी है। हमारा जरा कंप्यूटर क्या खराब हुआ और हमारी वीडियोस आनी थोड़ी बंद क्या हुई, टुनियों में तो हंसी की और खुशी की लहर दौड़ गई और लगे हमको कोसने। ऐसी ही एक टुन्नी है जिसको हमने कई महीनों पहले जबरदस्त जवाब दिए थे और उस चक्कर में उसका चैनल का व्यू डाउन हो गया, जिससे पहले वो पैसे कमा रही थी और उसकी इनकम आना बंद हो गई। जैसे ही उसने ये देखा कि हम कुछ दिनों से शांत हैं, तो उसने तुरंत अपने दांत निकालने शुरू कर दिए। क्या आप जानते हैं वो कौन है? वो है हमारी प्यारी प्यारी दीदी शिव शक्ति की श्री चंद्रशेखर, और उसको है बहुत टाइम से हम पर क्रश और वो देखना चाहती है हमारी शक्ल। और इसका सबूत क्या है आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आज की वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि दीदी ने फिर से अपने टुन्नी धर्म के अनुसार जहर उगला है और हमें दी है गालियाँ। तो समय को और ज्यादा बर्बाद नहीं करते और शुरू करते हैं दीदी की गालियों को। तो गेम बजाना पड़ेगा। दीदी टुनियों को जगा रही है। दीदी तो डिबेट के लिए माफ करेगी ही, क्योंकि दीदी को 9 महीने पहले हमने डिबेट चैलेंज दिया था। इस चैलेंज को दीदी के चेले चपाटे नंदू ने एक्सेप्ट किया था और जिस डिबेट में से दीदी भाग गई थी, उसी के बाद टुन्नी समाज को ये समझ में आया ये यहाँ पे लाली लिपस्टिक लगाकर केवल पैसे ऐंठने के लिए शनेटी को गालियाँ देती है और लोगों ने इसका चैनल देखना छोड़ दिया, इनकम आनी बंद हो गई। दीदी की शिकायत ये है कि मैं टुन्नी ग्रंथों का वकीकरण करता हूँ और उस पर वीडियो बनाता हूँ, पर समस्या ये है दीदी और इनके जैसे चेले चपाटों की औकात नहीं वीडियो को रिफ्यूट कर दें, क्योंकि दीदी और नंदू और उसके गैंग ने धर्म ग्रंथ पढ़े ही नहीं है। जैसा कि हमने अपनी और वीडियोस में भी बोला था दीदी को कि अगर आप गाली दोगी तो हम आपके धर्म ग्रंथ खोलेंगे, वो आपने बोला है नामर्द। तो देखते हैं नामर्द कौन था, और इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता 4:12। रेफरेंस आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है, आप इसे गौर से पढ़ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे दीदी इसे रिफ्यूट करके दिखा पाएगी अगर औकात है तो। चलिए पढ़ते हैं। महादेव जी यानी कि शिव जी विराट रूप धारण करके उनकी परीक्षा के निमित्त आप पहुँचे, नंगे अति तेजस्वी विभूति भूषण से शोभामान आमियों के समान चेष्टा करते हुए हाथ में लिंग धारण करके से उन वनवासियों का भला करने के लिए भक्तों पर प्रसन्न होकर शिव जी स्वयं प्रतीति से उस वन में गए। उसको देखकर ऋषि की पत्नियां अत्यंत भयभीत हो गईं, व्याकुल तथा हैरान हुईं। कई वापस आ गईं, कई आलिंगन करने लगी, कई ने हाथों में धारण कर लिया तथा परस्पर संघर्ष में वे स्त्रियां मगन हो गईं। में ऋषि महात्मा आ गए, इस प्रकार का विरुद्ध काम देखकर वे दुखी हो क्रोध से मूर्छित हो गए। तब दुख को प्राप्त हुए वे कहने लगे ये कौन है, ये कौन है। वे सब के सब ऋषि शिव की माया से मोहित हो गए। जब उस नंगे अवधूत ने कुछ भी उत्तर ना दिया तब परम ऋषियों ने उस भयंकर पुरुष को यों कहने लगे, तुम यह जो वेदों के मार्ग को लोप करने वाला विरुद्ध काम करते हो, इसलिए यह लिंग तुम्हारी पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके इस प्रकार कहने पर इस अवधूत रूपधारी अद्भुत शिव का लिंग उसी समय गिर पड़ा। तो दीदी इसे क्या कहेंगे? नामर्द कहेगा। स्टार्ट करो।
व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी शक्ल दिखाई उन्हीं का क्या उखाड़ लिया। और जैसा कि आपने कहा कि सोल्जर ऑफ गॉड का मर्म ना मर्द है, यदि मैंने अपनी मर्दानगी दिखाई तो आपका हाल कुछ ऐसा होगा। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। समझ रहे हो ना। दीदी को एक और शिकायत है कि मैंने बिना टॉपिक सेलेक्ट करे डिबेट का इनविटेशन दे दिया। हालांकि डिबेट का इनविटेशन 7 दिन पहले दिया गया था, उसका जवाब आप 9 महीने बाद दे रही हो। चलो कोई बात नहीं, इस बात में मैं आपको माफ करता हूँ। मैं आपको फिर से डिबेट का इनविटेशन देता हूँ और टॉपिक भी बता देता हूँ। 4 वेद, 18 पुराण, 16 उप पुराण, महाभारत, रामायण, गीता, इन सब में से मैं आपसे पूछूंगा। आपके देवी देवताओं का करेक्टर दिखाऊंगा, रेफरेंस मैं दिखाऊंगा, पढ़ोगी आप और उसके बाद अपने तुन्नी समाज को बताओगी ऐसा क्यों लिखा है। और डिबेट केवल आपसे ही होगी, आपके नाम पे किसी और से नहीं होगी। और डिबेट सूरज सीकर के चैनल पे होगी, जिस दिन तैयार हो बता देना। क्या करता हूँ, आपने अपने ग्रंथों को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? मेरा मुंह से निकल के मरी जाऊंगा भगवान। साथ ही साथ एक सलाह और भी देना चाहता हूँ, अब आपकी शादी हो चुकी है, अपने पति पर ध्यान दो, मेरी शक्ल देकर कुछ नहीं होगा क्योंकि मुझे आप में इंटरेस्ट पहले से भी नहीं है। ता है आप लोगों को ये लग भी रहा हो, दीदी अपने धर्म के लिए बहुत चिंतित है, हम लोग ही बेकार में काम कर रहे हैं। पर असल बात ये है, दीदी के बैंड बजने के बाद से दीदी के व्यू बहुत ही बुरी तरह गिरे। क्यों दीदी, सही कह रहा हूँ ना मैं? मैं आशा करता हूँ दीदी पक्का डिबेट के लिए आएंगी और खुद ही आएंगी और जागे हुए टुनियों को बताएंगी तो कितना परेशान है अपने धर्म के लिए, कि वो धर्म को जानती हैं। खाली लिपस्टिक लगाकर यहाँ बैठकर लोगों से पैसे ऐंठने के लिए नहीं है, उन्हें कुछ पता भी है। पता है ना दीदी, मुझे आपसे उम्मीद है भी नहीं कि आप आओगी। और रही बात माफी की, तो आप मांगो, क्योंकि मेजोरिटी का डर दिखा के माइनॉरिटीज के ऊपर गाली गलौज करना आसान है, पर सामने बैठकर डिबेट करना आप जैसों की औकात नहीं है। तुमसे ना हो पाएगा, देखा अपने लापरवाही का नतीजा है। मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा भी होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने विश्वासी बहनों भाई में वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रभु आपको आशीष दे, तब तक के लिए टाटा।